हीरो आईएसएल की इतिहास के बारे में बात करें तो लीग शुरू हुई थी 2014 में विथ 8 टीम्स। सिंस देन चार और नए टीम्स को इंक्लूड किया गया लीग में। अब सवाल ये था कि अगर लीग में प्रोमोशन और रिलीगेशन ही नहीं है तो इंडियन फुटबॉल क्लब्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट कैसे होगा। और तो और हीरो आईएसएल के लीग के अनुसार आपको अगर आईएसएल में खेलना है देन यू हैव टू पे 15 करोड़ एज एन एंट्री फीस, उन्हीं के देने के बाद आप खेल सकते हो आईएसएल में। एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच एमआरए यानी कि मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन हुई थी, जिसके तहत एफएसडीएल के कुछ डिमांड्स थे टू बी क्लोज डोर अलोंग विद दैट एंट्री फीस। बट अभी ऑलरेडी 8 साल हो चुकी है और ये लीग को अभी ओपन किया जाएगा अगले साल से, एंड इट्स द ओनली वे विच विल डेवलप आवर इंडियन फुटबॉल। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट, अगले साल जो भी आई लीग में जीतते हैं उनको हीरो आईएसएल में प्रमोट कर दिया जाएगा। और यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इस साल के आई लीग विनर्स और अगले साल के आई लीग विनर्स के बीच एक मुकाबला होगा और जो भी वो जीतते हैं उन्हें एएफसी में स्पॉट दिया जाएगा। अगर गोकुलम केरला हैट्रिक कर लेती है तो फिर उनको फिर से एएफसी में खेलने का मौका दिया जाएगा अगले साल में, और हीरो आईएसएल में भी प्रमोट हो जाएंगे। और तो और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगले साल मोहम्मद अनसी ज्वाइन करने वाले हैं हीरो आईएसएल बाय पेइंग एंट्री फीस। अब देखते हैं क्या होता है। अभी प्रोमोशन और रिलीगेशन की जो बात चल रही थी बहुत दिनों से, फाइनली वो भी होने वाली है, और हीरो आईएसएल के स्पॉन्सर्स ने भी एग्री कर लिया है टू अमेंड इट, एंड दे हैव अंडरस्टूड कि हमें इंडियन फुटबॉल को डेवलप करना मेन मोटो होना चाहिए। और 2024-25 के सीजन से हीरो आईएसएल के लीग से जो टीम लास्ट पोजीशन में होती है उनको रिलीगेट किया जाएगा टू आई लीग, और प्रमोशन और रिलीगेशन एज यूजुअल चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पहले ही नहीं होना चाहिए था? 8 सालों के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स एनालिसिस वीडियोस के लिए हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ डू क्लिक दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ऑल इंडिया फुटबॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।